प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार द्वारा जारी 6 क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये आपकी वर्कशीट 12 तारीख के लिए है। तो इसको वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की आपकी वर्कशीट का शीर्षक क्या है? संख्याओं की जानकारी, यानी कैसे हम जान पाएंगे कि कोई संख्या छोटी है, बड़ी है या किससे कितनी बड़ी है, इसके बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अक्सर वो एक समान नहीं होती, उनमें कुछ कुछ अंतर होता है। जैसे अगर 10 पेड़ हैं तो कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, किसकी छाया बड़ी होगी। तो इसी प्रकार से अलग अलग उनमें कुछ कुछ अंतर होता है। ऐसे ही आज हम संख्याओं की तुलना करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 3 बच्चे हैं, रोहन है, मोहन है और सोहन है। इन तीनों में से किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, आपको क्या लगा? तीनों तो बच्चे ही हैं, लेकिन अंतर क्या है? सोहन सबसे बड़ा है। ये सबसे सोहन क्या है? सबसे बड़ा है। इन तीनों बच्चों में किसकी ऊंचाई सबसे कम है? रोहन सबकी ऊंचाई सबसे कम है। तो आपने देखा कि कैसे हमने ऊंचाई को पहचान लिया कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन अब संख्याओं को कैसे हम करेंगे? आइए संख्याओं की तुलना करें। तो देखिए, संख्या 2438 और 947 की तुलना करें, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो देखो बच्चों, जब भी किसी संख्या की दूसरी संख्या से तुलना करनी होती है तो हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दो तीन चीज़ों का। सबसे पहले कि संख्या कितने अंकों की है। अगर कोई संख्या 3 अंक की है और दूसरी संख्या 4 अंक की है, तो 4 अंक वाली संख्या बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 4 अंक वाली, यानी 2438 बड़ी है। अब लेकिन अगर कोई संख्या में 4 अंक हों, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों संख्या बराबर हैं? जैसे 8456 हो गया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और एक दूसरा हो गया 5638 हो गया। जब 4 अंकों की संख्याएं हों, बराबर अंक हों, तो उनके सबसे अंतिम वाले अंक को, यानी हज़ार वाले अंक को, या सबसे जो लास्ट वाला, इधर से हम शुरू करते तो इधर वाले अंक को गिनेंगे। तो अगर इधर वाले अंक जिसका बड़ा होगा, वो संख्या बड़ी होगी। तो जैसे यहाँ देखिए, 5 से बड़ा 8, ये संख्या बड़ी है। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट वाले अंक, जैसे मान लीजिए 8846 है, 8854 है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो यहाँ भी 8 बराबर है, यहाँ भी 8 बराबर है। तो हम ऐसे इधर से लास्ट से आते शुरू करेंगे, तो जो संख्या बड़ी होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 4 से 5 बड़ी है, यानी ये संख्या बड़ी हो गई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, संख्याओं की तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अगर बराबर अंक हैं तो जो सबसे लास्ट से, यानी हज़ार से या सैकड़े से शुरू करेंगे। अगर सैकड़े की 100 की गिनती वाली है, 4 अंक की है, 5 अंक की है, तो वहाँ से शुरू करेंगे और संख्या की भी तुलना करते हैं। वैसे ही यहाँ पर किया गया है कि 6798 7852 में कैसे तुलना की गई है। देखिए, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे, तो हम बाईं तरफ से तुलना करना शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास दिए गए हैं, उसे आपको करना है। यानी संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित, यानी देखिए, ये स्मॉलर देन, ये बड़े का और ये बराबर का चिन्ह है। तो आपको बताना है 9518 से क्या है बड़ा है, क्योंकि ये 4 अंक है, ये 3 अंक की है, यहाँ भी ये 4 अंक का है और ये 3 अंक का है, तो यहाँ ग्रेटर देन का हम चिन्ह लगाएंगे। अब आपको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे क्या, यहाँ पे 85 है, फिर क्या है 685 है, 695 है, फिर देखिए 4875 है, और लास्ट में रखेंगे 4998। ये आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। और अवरोही क्रम में तो यही वाला उल्टा लिख देंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब छोटे होते क्रम में। तो ये आपकी पूरी हमने वर्कशीट यहीं कंप्लीट कर ली है। आपने देखा कि कैसे हमने संख्या के बारे में जाना, संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तो बस तुलना करना अगर आपको पता हो गया है,
तो आप पूरा संख्याओं को पहचान लेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इसे करके आप अपने क्लास टीचर को भेजेंगे। साथ ही साथ आप जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है, यानी 2 गज की दूरी बनाना, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना और भीड़ भाड़ स्थानों पर ना जाना, इसका पालन करते रहें और बच के रहें और सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।